कैसी रही सेकंड राउंड वेस्ट बंगाल स्टेट की काउंसलिंग की रिजल्ट, कंपेयर किया जाए फर्स्ट राउंड से तो कैसी गई, पॉजिटिव गई, नेगेटिव शिफ्ट गई, हायर एंड पे कट ऑफ गई या लोअर एंड पे गई, क्या मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट हो सकती है प्राइवेट कॉलेजेस में, एमबीबीएस कोर्स में, स्टेट कोटा में। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको आपके इन सवालों के जवाब सॉल्यूशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है वेस्ट बंगाल स्टेट से रिलेटेड। नीट यूजी काउंसलिंग की वेस्ट बंगाल स्टेट की रिजल्ट यस्टरडे इवनिंग को पब्लिश कर दी गई, डिक्लेयर कर दी गई है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्स के लिए स्टेट कोटा में क्या रिजल्ट हुई सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, और थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के कंपैरिजन में कैसी शिफ्ट गई, पॉजिटिव गई, नेगेटिव शिफ्ट गई, और क्या मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट मिल सकती है। तो जो चैनल पर न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के रिजल्ट है वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा में। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नीट स्कोर 570 एंड ऑल इंडिया रैंक 49,014। ओबीसी कैटेगरी में नीट स्कोर 553, 61,381 नीट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ। एससी कैटेगरी में 443 नीट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ 171,612। एसटी कैटेगरी में 153 ऑल इंडिया रैंक 922,002। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 406 ऑल इंडिया रैंक 20,843। तो नेगेटिव शिफ्ट हुई है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की रिजल्ट से अगर कंपेयर किया जाए, और काफ़ी अच्छी खासी नेगेटिव शिफ्ट हुई है। स्टूडेंट्स ने अपनी सीट्स रिटेन की है, अपग्रेडेशन में बहुत कम स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन मिली है। आइए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की भी रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की रिजल्ट है प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनरिजर्व्ड एंड एसटी कैटेगरी में उतनी ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट नहीं देखने को मिली है, लेकिन अगर ओबीसी, एससी एंड एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। अनरिजर्व्ड एंड एससी कैटेगरी में ज़्यादा उतनी ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिली, और ये काफ़ी नेचुरल सा बात है क्योंकि ऑल इंडिया में सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है कंपेयर टू फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो उसकी इम्पैक्ट स्टेट्स पे भी दिख रही है। अनरिजर्व्ड एसटी एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काफ़ी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है कंपेयर टू फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अनरिजर्व्ड एंड एससी कैटेगरी में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा इफेक्ट और इम्पैक्ट नहीं है सेकेंड कंपेयर टू फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। रही बात कि मॉपअप राउंड में क्या मिल सकती है हमें, अगर इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली जाए तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मॉपअप राउंड में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 से 2 मार्क्स की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिले वेस्ट बंगाल मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग में। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है, उन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हो सकता है शायद मिल जाए। लेकिन बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं मॉपअप राउंड के लिए, तो वो जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो उससे पता चल जाएगी। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी, अगर बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं तो नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत वेस्ट बंगाल स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग में एमबीबीएस कोर्स के लिए क्या रिजल्ट गई है, उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस। इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन अपडेट या पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें और हमारी सर्विसेज की बेनिफिट्स अवेल करें। जाने की किन कॉलेजेस में चांसेस बन सकती है MBBS कोर्स के लिए अलॉटमेंट काउंसलिंग के थ्रू स्टेट कोटा में, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जिससे आपको काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट मिल जाए 100% श्योरिटी के साथ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।